हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 37 के बारे में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में डेली अपडेट कर रहे हैं दोस्तों हम 50+ क्वेश्चन जो 36 पार्ट तक हमने अपलोड कर दी है सीरीज। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों 80% सिलेबस जो है हरियाणा जीके का हरियाणा करंट छोड़ के कवर हो जाता है। अगर हमारी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हम नई नई वीडियो दे सकें। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा हरियाणा में नरेगा लागू हुई। बात करें दोस्तों हरियाणा में नरेगा की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा सी। 2006 के अंदर हरियाणा में नरेगा जो है वो लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों किशोरी लड़कियों के लिए पोषाहार योजना कब लागू हुई। बात करें दोस्तों किशोरी लड़कियों के लिए पोषाहार योजना जो है वो कहां से लागू हुई। राइट ऑप्शन दोस्तों बी, अंबाला से किशोरी लड़कियों के लिए पोषाहार योजना जो है वो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी पाई जाती है। बात करें दोस्तों उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, यमुनानगर के अंदर नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी को उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी, लाल चेस्टनट मिट्टी भी इसका नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन सी मृदा को डाकर कहा जाता है। बात करें दोस्तों एक मृदा की जिसको डाकर का भी नाम दिया जाता है, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, भारी मृदा को डाकर मृदा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा फजल अली आयोग रिपोर्ट कब पेश की गई। बात करें दोस्तों फजल अली आयोग रिपोर्ट की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा सी, 1956 के अंदर फजल अली आयोग रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70 फार्मूले से हरियाणा कितने क्षेत्र में बंट गया था। बात करें दोस्तों 70 फार्मूले से हरियाणा कितने क्षेत्रों में बंट गया था, राइट ऑप्शन दोस्तों ए, दो क्षेत्रों में 70 फार्मूले की वजह से हरियाणा बंट गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों सर्वप्रथम ऋग्वेद में हरियाणा को नाम दिया गया। बात करें दोस्तों सर्वप्रथम ऋग्वेद में दिए गए हरियाणा के नाम की, राइट ऑप्शन दोस्तों बी, रज हरियाणे, सर्वप्रथम ऋग्वेद में ये नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब बना। बात करें दोस्तों हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा डी, 1994 के अंदर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों भजनलाल के काल में कांग्रेस के पास कितनी सीट थी। बात करें दोस्तों भजनलाल के काल में कांग्रेस के पास सीट की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा बी, 34 सीटें भजनलाल के काल में कांग्रेस के पास थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा राज्य के साथ सीमा लगती है, कितने राज्यों की हरियाणा राज्य के साथ सीमा लगती है, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, 5 राज्यों की जो सीमा है वो हरियाणा राज्य के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फतेहाबाद शहर का अस्तित्व कब से है। बात करें दोस्तों फतेहाबाद एकमात्र प्रसिद्ध शहर के इकदार के नाम से भी जाना जाता था, उदयनगरी के नाम से भी, राइट ऑप्शन दोस्तों सी, अशोक के काल से फतेहाबाद शहर का अस्तित्व है। इकदार और उदयनगरी के नाम से फतेहाबाद को जाना जाता है जहां टोहाना एक जिला है। किस किले पर 38 बार आक्रमण हुए। बात करें दोस्तों किस जिले पर 38 बार आक्रमण हुए, राइट ऑप्शन दोस्तों बी, टोहाना का किला जो फतेहाबाद में ही स्थित है, 38 बार आक्रमण इस पर हुए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रानी की खिड़की किसे कहा जाता है। बात करें दोस्तों रानी की खिड़की की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा बी, छछरौली के किले को रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रसिद्ध बुद्धू शाह का गुरुद्वारा कहाँ है। बात करें दोस्तों प्रसिद्ध बुद्धू शाह के गुरुद्वारे की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ए, रादौर को के अंदर जो है प्रसिद्ध बुद्धू शाह गुरुद्वारा जो है वो स्थापित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा सूरजकुंड का निर्माण किस काल में हुआ। बात करें दोस्तों सूरजकुंड के काल के निर्माण की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा बी, तोमर वंश के काल से सूरजकुंड का निर्माण जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहा जाता है। बात करें दोस्तों धर्मार्थ न्यासों के शहर की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा सी, भिवानी को धर्मार्थ न्यासों का शहर जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नौगंजा पीर दरगाह किस जिले में है। बात करें दोस्तों नौगंजा पीर दरगाह की, दरगाह मकबरे मस्जिद की वीडियो हमने अलग से बहुत ही फनी ट्रिक के साथ अपलोड की है, राइट ऑप्शन दोस्तों सी, अंबाला के अंदर नौगंजा पीर दरगाह जो है वो स्थापित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बाबा सिमरन दास की प्रसिद्ध समाधि कहाँ बनी है। बात करें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बाबा सिमरन दास की प्रसिद्ध समाधि की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा सी, सोनीपत, सहसे सिमरन, सहसे सोनीपत के अंदर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केथल स्थित है। बात करें दोस्तों केथल की, तो केथल दोस्तों हमारा जो है हरियाणा का स्थित ही, नोट करें हम तो ये उत्तर में स्थित है, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ए, केथल जो है वो उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कालका देवी मंदिर किस जिले में है। बात करें दोस्तों प्रसिद्ध मात्र कालका देवी मंदिर की, इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा डी, पंचकुला के अंदर कालका देवी मंदिर जो है वो स्थापित है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन लेडी हेली हॉस्पिटल कहाँ बना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन लेडी हेली हॉस्पिटल। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, भिवानी के अंदर प्राचीन लेडी हेली हॉस्पिटल जो है वो स्थापित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौकर्ण का तालाब किसके नाम पे रखा गया? बात करें दोस्तों गौकर्ण के तालाब की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ए, गौकर्ण के नाम पर ही गौकर्ण का तालाब का नाम जो है वो रखा गया। ये कहाँ है, किस जिले में है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रसिद्ध चारगुबंद कहाँ बनाया गया? बात करें दोस्तों प्रसिद्ध चारगुबंद की, चोरगुबंद का नाम भी लिया जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ए, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर प्रसिद्ध चोरगुबंद जो है वो स्थापित है, जहां बुआ का गोमन भी है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका, हर्षवर्धन का वास्तविक नाम क्या था? राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा डी, हर्ष के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता था। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन थानेसर से जुड़े हुए एक वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। ममता सोदा किस जिले से है? बात करें दोस्तों ममता सोदा की, एक खिलाड़ी की, और इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी, केथल से ममता सोदा का संबंध जो है वो है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया? बात करें दोस्तों गोपालगिरी के दुर्ग की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ए, बलबन ने गोपालगिरी का दुर्ग जो है वो बनवाया था। है कहां दोस्तों? ये गुरुग्राम के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जूही चावला किस क्षेत्र से है? बात करें दोस्तों जूही चावला किस क्षेत्र से है? राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा डी, अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई है हमारी जूही चावला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1974 में हरियाणा की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? बात करें दोस्तों 1974 की, तो इसके अंदर दोस्तों दोनों ही फिल्म बीरा सेरा और घटोत्कच फिल्म जो है वो प्रसिद्ध हुई थी, प्रदर्शित हुई थी। राइट ऑप्शन दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? बात करें दोस्तों हरियाणा साहित्य के अकादमी के गठन की, इसका दोस्तों राइट ऑप्शन बी, 1979 के अंदर हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? बात करें दोस्तों ग्रामोद्योग बोर्ड की, राइट ऑप्शन दोस्तों सी, 1969 के अंदर जो है हरियाणा खादी बोर्ड की स्थापना जो है हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध नगर नौरंगाबाद किस जिले में है? बात करें दोस्तों प्रसिद्ध शहर सॉरी नगर की, तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा डी, भिवानी के अंदर प्रसिद्ध शहर नौरंगाबाद जो है वो स्थापित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध सराय अली वर्दी खां की मस्जिद किसने बनवाई? बात करें दोस्तों सराय अली वर्दी खां की मस्जिद की, राइट ऑप्शन दोस्तों डी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इनका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म सरोवर को किसने खुदवाया था? एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित, राइट ऑप्शन दोस्तों एक, राजा कुरु ने ब्रह्म सरोवर के जो है वो खुदाई का कार्य शुरू करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 71 फुट का ऊंचा शिवालय कहाँ स्थापित है? बात करें दोस्तों एक 71 फुट ऊंचे शिवालय की, जो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा सी, तारा बाबा की कुटिया के अंदर सिरसा के अंदर जो है ये 71 फुट का ऊंचा शिवालय स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहाज कोठी किस जिले में है? ये तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1798 में जो थॉमस वाइस के अंदर रुके थे। राइट ऑप्शन दोस्तों रहेगा हमारा सी, इसार के अंदर जहाज की कोठी जो है वो अवस्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा राजस्व कर का प्रमुख स्रोत है? बात करें दोस्तों हरियाणा राजस्व कर के प्रमुख स्रोत की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, बिक्री कर जो है वो हरियाणा राजस्व का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सती मेला कहां पर लगता है? ये लगता है दोस्तों राइट ऑप्शन सी, होडल के अंदर सती का मेला लगता है, और एक सिरसा के अंदर कुमारी गांव के अंदर भी सती का बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, दो जगह है ये याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चांदराम ने विश्व रिकॉर्ड कब बनाया? बात करें दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी पैदल चाल चांदराम की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ए, 1983 के अंदर चांदराम ने विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंडित श्री राम शर्मा ने किस आंदोलन में भाग लिया था? बात करें दोस्तों प्रसिद्ध श्री राम शर्मा की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, खिलाफत आंदोलन में पंडित श्री राम शर्मा ने जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुचेता कृपलानी किस जिले से थी? बात करें दोस्तों सुचेता कृपलानी की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, अंबाला से सुचेता कृपलानी का संबंध जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घग्गर नदी किस जिले में बहती है? बात करें दोस्तों घग्गर नदी की, तो इसके अंदर दोस्तों तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें नहीं बहती, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बहती है, तो राइट ऑप्शन बी, पंचकुला के अंदर घग्गर नदी जो है वो बहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नोरंग पर्यटन स्थल कहाँ स्थापित है? बात करें दोस्तों नोरंग पर्यटन स्थल की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा
डी रोहतक के अंदर नोरंग पर्यटन स्थल जो है वो स्थापित है। जैसे बेया पर्यटन स्थल भिवानी के अंदर, ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूरजकुंड मेले का प्रथम फोकस राष्ट्र देश कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सूरजकुंड मेले का प्रथम फोकस राष्ट्र देश जो था वो था दोस्तों मिस्र। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी, मिस्र जो था वो प्रथम फोकस राष्ट्र देश था। डिगल का शिवालय किसने बनवाया था? बात करें दोस्तों डिगल के शिवालय की, राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ए, लाला धनीराम ने जो है डिगल के शिवालय का निर्माण जो है करवाया था रोहतक के अंदर स्थित। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बांगरू का ठेठ क्षेत्र कहां स्थापित है? बात करें दोस्तों बांगरू के ठेठ क्षेत्र की, राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा बी, हिसार के अंदर बांगरू ठेठ क्षेत्र जो है वो स्थापित है। इस क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, जवाहरलाल नहर से सिंचाई किस जिले में की जाती है? बात करें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू से की सिंचाई, तो डी महेंद्रगढ़ के अंदर जवाहरलाल नहर से सिंचाई की जाती है। क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को और दबा दें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले।